गरीबों को बिजली बिल में राहत देने का आश्वासन देने वाली सरकार ने अब जबरन बिल वसूलना शुरू किया है। ऐसे में गरीबी रेखा के नीचे वाले राशन कार्ड धारकों को बकाया 18 किश्तें बनाकर बिल भरने की सहूलियत दें। नियमित बिजली बिल भरने के लिए किसी तरह के ब्याज और जुर्माना नहीं लगाने की मांग विधि मंडल लेख लेखा समिति के प्रमुख और पूर्व वित्त मंत्री विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने ऊर्जा मंत्री से की। लॉकडाउन के समय में बकाया बिजली बिल के रूप में गरीब जनता का बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है। इसे देखते हुए मुनगंटीवार ने महावितरण के मुख्य अभियंता देशपांडे के साथ विश्राम गृह में बैठक ली। विधायक मुनगंटीवार ने केशरी राशन कार्ड धारकों को 12 महीने की 12 किश्त बनाकर दें। बिजली कनेक्शन काटने से पूर्व 15 दिन में 2 बार नोटिस भेजें। महावितरण के उपविभागीय कार्यालय में योजना की जानकारी देने के लिए कक्षा तैयार करें। 18 मार्च से आगे 10 दिन बिजली बिल धारकों का कनेक्शन नहीं काटें। जिन जिलों में वसूली 80% से अधिक है वहां बिजली बिल ग्राहकों के कनेक्शन नहीं काटें आदि मुद्दों पर चर्चा की। इस संबंध में मुख्य अभियंता देश पांडे ने बताया कि सहित पुराने बिजली बिल पेंडिंग होने पर कुल राशि के 30% राशि भरकर शेष बिजली बिल 12 महीने में समान किश्तों से 1% ब्याज सहित भरने की सुविधा दी गई है। पिछले कुछ दिनों से जिले में 7,000 से अधिक उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काटा गया। अब तक 89% बकाया वसूल हुआ है। बैठक में महावितरण के अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, महापौर राखी कांचर लावार, उप महापौर राहुल पावडे, स्थायी समिति सभापति रवि आसमानी, जिलाध्यक्ष देवराव भोंगले, शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर मंगेश गुलवाडे, सुभाष कसन गोटवारा, रवि गुरनूले, ब्रजभूषण पाझारे आदि उपस्थित थे।